ये तो जर्नी जो आप बता रहे हैं पीएचडी की, तो शादी के बाद है ना, और मुझे तो पता है कि शायद आपकी एक डॉटर भी है। हाँ, डॉटर भी है, वो सवा दो साल। तो पीएचडी का मेरा शुरू हो गया था और मैंने लाइक बैतूल का ही लिया था, कोसमी डैम का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। पीएचडी जो पहले होती थी उसमें क्या होता था, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता था, आरडीसी जिसे हम बोलते। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरों को देने के लिए कैपेबल है। मतलब आई वॉन्ट होल नॉलेज ऑफ दैट सिलेबस, मुझे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसलिए नहीं कि मुझे मार्क्स लाने, इसलिए कि मुझे वो नॉलेज लेना है। तो एमएससी में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी तो हम बीएससी में बहुत पढ़ चुके हैं। तो मैंने अपने एमएससी में 6 मंथ का डिसर्टेशन बहुत अच्छे से किया था, मैंने पेपर पब्लिश किए थे, 2 मेरे पेपर उस टाइम पे ही पब्लिश हो गए थे इंटरनेशनली। अब यहाँ पे आपकी पीएचडी की जर्नी शुरू होती है। जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी मेहमान है निहारिका भावसार, डॉक्टर निहारिका भावसार, जिनका परिचय थोड़ा लंबा है इसलिए मुझे पढ़ के देना पड़ेगा। निहारिका जी ने डॉक्टरेट किया है बायोटेक्नोलॉजी में, वो अभी लेक्चरर है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बैतूल, जिसको कि हम जेएच कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ वो अपना स्वयं का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन चलाती हैं, वो ट्रेनर हैं और इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम भी चलाती हैं। इसी के साथ साथ वो एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं और वॉलंटरी मेडिटेशन टीचर भी हैं। इतना सब कुछ वो कैसे करती है, आइए हम उनसे जानते हैं। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पारस भुप्ते शो में। थैंक यू सो मच पारस। निहारिका जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि 10th के बाद में आपने इतनी सारी पढ़ाई करी, इतने सारे एग्जामिनेशंस दिए, इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल करे, तो आपकी जो लाइफ जर्नी रही वो कैसी रही? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। एंड एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि स्टिल आई एम स्टडिंग। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो? ये भगवान। मेरा अभी साइकोलॉजी शुरू है एंड रिसेंटली मैंने करियर काउंसलिंग में सर्टिफिकेशन किया है। सो साइकोलॉजी तो मैं डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ। उसके पहले लाइक मेरा पीएचडी बायोटेक हुआ है, तो लाइक मुझे पहले से ही बायो में इंटरेस्ट था। एंड नाउ आई विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम द 9th, मेरा 9th में क्या पर्सपेक्टिव था। अच्छा, 9th से शुरू करें। यस, तो 8th स्टैंडर्ड तक तो मेरा ऐसा व्यू था कि मुझे फर्स्ट आना ही है क्लास में, और बहुत टेंशन लेके ऐसे पढ़ाई करती थी मैं। बट बाद में लकीली बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स कि मैं तभी से योगा मेडिटेशन में जुड़ गई थी 9th स्टैंडर्ड से, लाइक मेरे एग्जाम चल रहे हैं एंड मेरा साथ में ये कोर्स भी चल रहा था, तो उससे मैंने कहा काफ़ी रिलैक्स हुई और मेरे परसेंटेज भी अच्छे आए। मतलब सामहाउ अच्छे आते थे पर वो टेंशन से आते थे। अच्छा। और उससे जो बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है वो अलग। अच्छा। बट 9th में जब मैंने ये सब किया और एग्ज़ाम भी दिया तो आई वाज लाइक वेरी फ्री और मेरे परसेंटेज आए, अच्छे ही आए और रैंक भी फर्स्ट ही आया। अच्छा। और उस टाइम पे बट मेरा व्यू था कि एक हम सोचते हैं ना सब्जेक्ट का हमारा 9th से ही चलने लगता है दिमाग में कि आगे क्या करना है, अब हम मैच्योर हो गए, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बट मुझे एयर हॉस्टेस बनना था, तो एक वो फैसिनेशन था कि एयर हॉस्टेस करना है, हवा में उड़ना है, ऐसे वाला। फिर पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने मना कर दिया एज यूजुअल कि नहीं बहुत दूर है, लाइक आप बैतूल में हो तो कैसे करोगे एंड ऑल। फिर लाइक मेरा 10th हुआ और मेरा एल्डर ब्रदर है, ऑब्वियसली उसने मैथ्स लिया था और उसने इंजीनियरिंग चूज़ किया। और हम देखते ही है, तो अगर एक ब्रदर ने मैथ्स लिया है तो एक सिस्टर तो बायो लिया। बायो लिया। वही वाली जो बात है, बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर और बेटी हुई तो सॉरी बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर और बेटी हुई तो डॉक्टर। सो 10th मेरा ऐसे ही गया एंड माइंड सेट हो गया था। 10th के जैसे एग्जाम हुए और रिजल्ट आया भी नहीं था और मेरा एडमिशन भोपाल में इंस्टीट्यूट में हो गया था फॉर द कोचिंग कि पीएमटी आपको क्रैक करना है एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। तो 10th के बाद मेरा कोचिंग स्टार्ट हो गया 1-2 साल। फिर मैंने स्कूल लाइक अच्छा ही था बट ऐसा था कम जाना आना पड़ता था। अच्छा। तो 2 ईयर्स आई हैव प्रिपेयर फॉर द पीएमटी बट 12th में मेरे परसेंटेज गिर गए और मुझे ऐसे समझ में आने लगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। मतलब बायो में मुझे इंटरेस्ट आ गया था बिकॉज ऑलमोस्ट नेचर से कनेक्टेड फील होता था एंड हमारे एटलीस्ट पता तो रहे कि बॉडी में हो क्या रहा है। तो बायो से लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और एवरीथिंग आई केम टू नो, तो वो नॉलेज आया तो इंटरेस्ट था। बट ऐसा लगा कि डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए थोड़ा सा ऐसा लगा। और इवन अगर मेरे 10th के आप रिजल्ट देखो तो मेरे मैथ्स में 97 out of 100 थे एंड 92 इन बायो, तो मैथ्स में ऑब्वियसली ज़्यादा थे। मुझे तो ये लग रहा है कि जो क्या आज का जो मीमीज क्या बोलते हैं उसको, जो अभी जोक्स जो आजकल के जो चलते हैं
कि हम जो लड़के हैं वो तो ये तरसते हैं किस प्रकार पास हो जाए, पर आप लोग को तो 90 है, वो परसेंटेज आने के बाद भी आप बोलते हो कि इतने कम परसेंट आए। था लाइक ऐसे कि आना चाहिए, बट मैथ्स में मेरे ज़्यादा आए थे तो भी मैंने बायो चूज़ किया। और उस टाइम लाइक ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्वियसली सजेशन होता है, बट एक परफेक्ट हमारे अकॉर्डिंग करियर क्या लेना है वो हमें कभी कोई गाइड नहीं करता है। फिर देन PM मेरा 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया, वो भी मेरा मूड नहीं था, पेरेंट्स का ही था। उन्होंने इतना लाइक पैसा ऐसे रख दिया कि हम दे रहे हैं, डोंट वरी, तुम एक साल ड्रॉप लेके आप करो स्टडीज़ करो। बिल्कुल। तो एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी मुझे इतना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिला नहीं और ना क्रैक हुआ। लाइक परसेंट वगैरह अच्छे आए थे, बट जो एक जनरल के चाहिए वो मेरा नहीं आया था, तो मैंने छोड़ा नहीं, मुझे नहीं करना है। बट एक फील था कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे नाम के सामने डॉक्टर होना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी फैसिनेशन था, रिसर्च फील्ड है, अपकमिंग फील्ड है। मतलब कौन से ईयर की बात होगी? इट्स 2005 में मेरा 12th हुआ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया खुद से कि मैं बायोटेक करूँगी, तो भी लाइक माय फादर वाज लाइक कि होम्योपैथी कर लो, आप BHMS कर लो, BMS कर लो, मतलब आप उसमें करो। बट फिर मैंने बायोटेक लिया और उनको थोड़ा समझाया कि नहीं, मैं रिसर्च में, मेरा बायो में तो इंटरेस्ट है और मैं करती हूँ। सो भोपाल से मैं गई नागपुर, नागपुर का रायसोनी, GH रायसोनी कॉलेज काफ़ी फेमस था, भैया ने भी वहीं से इंजीनियरिंग किया था, कैंपस सिलेक्शन हो गया था उसका HCL में, और मेरा वहीं से मैंने कंटिन्यू किया बायोटेक्नोलॉजी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, और मैं यहाँ पे ये चीज़ को पॉइंट करूँगी कि मैं एक बैतूल में रही वाली लड़की हूँ, ऑब्वियसली मेरा 4th स्टैंडर्ड तक आई वॉज इन हिंदी मीडियम सरस्वती, बट मैं 5th से 10th तक इंग्लिश में रही, वहाँ भी इंग्लिश किया। बट वहाँ जब मैं नागपुर गई और वहाँ के जो मेरे साथ में मेरे कलीग स्टूडेंट्स थे, दे आर फ्रॉम सेंटर पॉइंट, भवन स्कूल, इतने बड़े बड़े स्कूलों में, उनका एटीट्यूड मतलब ऐसा रहता था कि आप डर जाओ कि आप तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा, मतलब रैगिंग टाइप से भी कुछ आ गया उसमें। सीनियर का तो था ही, बट जो कलीग है आपके क्लासमेट है उनसे अच्छा। भी आपका इतना ज़्यादा वो रहता था। बट जब टीचर पढ़ा रहा है एंड आई वॉज गिविंग एवरी आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन जो भी वो पूछ रहे हैं, और मैं सारे आंसर कर रही हूँ, तो वो लोग इतना आश्चर्य करते थे कि तूने PMT ट्राई क्यों नहीं किया, तेरा हो जाता। मैंने बताया मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर मेरे फ्रेंड्स बनने लगे, उनको ये लगने लगा कि यार ये बंदी काम की है, इंटेलिजेंट है, इसके साथ अप्रो नोट्स लेना, ये बुक्स लेना। मुझे बुक्स भी काफ़ी शौक था, मैं खुद का खरीदती थी और लाइब्रेरी मेरा पहले से ही था। तो भी मैंने वो नागपुर यूनिवर्सिटी का कॉपअप करने के लिए एक दो साल बहुत स्ट्रगल किया। आई वॉज इन द फर्स्ट रैंक वहाँ भी, बट 71-72% ऐसे आ रहे थे मेरे। फाइनल ईयर में मैंने पूरा 100% दिया और एकदम जंप किया और यूनिवर्सिटी टॉप किया। क्या बोला आपने? यूनिवर्सिटी टॉप। तो यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए क्या कोई चमनप्राश खाना पड़ता है? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? घंटे, हाँ मैं ये भी ऐड करूँगी। एक्चुअली मेरा पढ़ने का स्टाइल, स्कूल में तो आप पूरा साल भर स्कूल जाते हो, ये करते हो, कॉलेज में जाती थी बट उतना इंजॉय भी करते थे, मिस फ्रेशर भी थी मैं, बाद में मिस फेयरवेल भी बनी। लाइक वहाँ पे जाके कैसे कॉपअप किया, तो वो हमारा ही एफर्ट होता है, मतलब हमारा इनर सेल्फ ही बोलता है कि हमें स्ट्रांग रहना है, नहीं हम भी कुछ है, लाइक ऐसे वाला फील हो, नहीं तो हम कहीं ना कहीं बैक में रह जाते हैं। तो लाइक उस टाइम पे मैंने बहुत प्रिपरेशन करी, बट प्रिपरेशन में कैसे, पूरा साल भर मैं सिर्फ नोट्स कलेक्ट करती थी और जो भी लेक्चरर पढ़ाता था उसको थोड़ा सा ग्रेप्स करना, रिवाइज करना, दैट्स इट, ऐसे पूरा फुल टाइम। बट एग्ज़ाम के एक महीना पहले मैं घर आती थी, रूम लॉक, और बस पूरा कवर करना है मुझे सिलेबस, बिकॉज आई वॉन्ट होल नॉलेज ऑफ दैट सिलेबस, मुझे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, इसलिए नहीं कि मुझे मार्क्स लाने, इसलिए कि मुझे वो नॉलेज लेना है। ये मेरा योगा और मेडिटेशन से ना ये बैलेंस आ गया था कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम, सिर्फ रटने के लिए कर रहे हैं, दैट्स इट, नहीं, हमें उससे क्या नॉलेज मिल रहा है इसके लिए मुझे पढ़ना है। इसलिए मेरे BSc फाइनल ईयर में लाइक जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया तो मेरे परसेंट अच्छे आए, क्योंकि मैंने काफ़ी उस चीज़ पे काम किया और मुझे समझ आ गया। तो ये मेरा BSc बायोटेक हुआ। तो जो बच्चे में इसमें एक चीज़ सीखने लायक ये है कि जो आपने जो यूनिवर्सिटी टॉप किया, जो एक दिखाया जाता है कि लोग रट रट के यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं या अपने एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं, पास होते हैं, लेकिन आपका जो उद्देश्य था वो उस समय माइंड में ही नहीं था कि मेरे को यूनिवर्सिटी टॉप करना है, मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है। तो जो सब्जेक्ट का नॉलेज आप लेते गए उससे आपको ये फ़ायदा मिला कि आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर टॉप किया। वो मुझे फाइनल तक समझ आ गया था कि रटने में कुछ नहीं है, क्योंकि ये लाइक मैं जो आपको जर्नी बताया ना 8th-9th स्टैंडर्ड का, तभी मुझे समझ आ गया था कि वो टेंशन लेके ऐसे रट रट के करवे में परसेंट नहीं बनेंगे एंड आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर BSc बायोटेक में ऑलरेडी मेरे बहुत अच्छा एग्रीगेट बना था, तो मेरा मन था कि मैं बैंगलोर वगैरह जाऊँ लाइक PG करने के लिए फॉर MSc बायोटेक, बट समहाउ
और पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आपको यहीं रहना है नागपुर में ही, अच्छा कॉलेज ढूंढो. तो फिर मैंने खुद ही ढूंढा और डायसोनी में MSc आ गया था. तो मैंने वहीं से MSc बायोटेक शुरू किया. उसके बाद लाइक मेरा था जैसे ये बायोटेक जो सब्जेक्ट है एक्चुअली दैट इज़ रिसर्च रिलेटेड. और जब आप नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखोगे तो MSc में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, थियोरी तो हम BSc में बहुत पढ़ चुके. तो मैंने उस टाइम पर काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, लाइक मैंने C++ ये भी किया. यस, उस टाइम जब भी वैकेशन होते थे, एक महीने का गैप है तो कुछ ना कुछ सीखना है. फिर डेजर्टेशन होता है 6 महीने का, तो उसमें भी काफ़ी मैंने बाहर से किया. मैं यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको जब बताती हूँ, BU में भी हमारे यहाँ डेजर्टेशन है कि आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग ज़्यादा चाहिए है. वो एरो बुक से लेते हैं और पढ़ते हैं और उनका ख़त्म हो जाता है, उनके मार्क्स आ गए और वो कॉल हो गया, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं. इतना समझाना पड़ता है कि ये आपके परसेंटेज कहीं काम नहीं आने वाले हैं जब तक आपका प्रैक्टिकल हैंडलिंग अच्छा नहीं है. मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, हम तो खुद नोट्स ऐसे 6 बुक्स रख के टैली करके नोट्स बनाते, ठीक है आप बनाओ मैं टाइम नहीं, आप फोटोकॉपी करो उसको, हाईलाइट करो, बुक की फोटोकॉपी करा लो, इतना कुछ करते थे. बट यहाँ पे बच्चे बहुत डिपेंडेंट है, लाइक वो एरो या गाइड मांगते हैं या इससे उससे नोट्स लेके पढ़ लिया खत्म. और प्रैक्टिकल के जब हम बोलते हैं कि आप बैतूल से बाहर निकलो, यू हैव कैपेबिलिटी. अगर एक गर्ल भी है उसके पास भी, अगर वो 4 लोगों के साथ जाती है तो वो सेफ है, वो कर सकती है. और हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप जबलपुर जा सकते हो, भोपाल जा सकते हो, इंदौर जा सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं. तो मैंने अपने MSc में 6 मंथ का डिसर्टेशन बहुत अच्छे से किया था. मैंने पेपर पब्लिश किए थे, 2 मेरे पेपर उस टाइम पे ही पब्लिश हो गए थे इंटरनेशनली. उसके बाद मेरा लाइक MSc बायोटेक के बाद लाइक आई वॉज मैरिड. उस टाइम मेरा था मैं GRE दूँ, माय एल्डर ब्रदर वाज इन लाइक शिफ्टेड टू जर्मनी. उसका कैंपस के बाद वहीं से सिलेक्शन हो गया था, तो वो वहाँ पे चला गया. तो मेरे पास बहुत स्कोप था, बट ठीक है शादी हुई, अब बैतूल में ही आ गए थे वापस. तो वो एक था माइंडसेट शिफ्ट करना, बट लकीली मेरा जो एजुकेशन था, जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया तो मैंने ब्रेक नहीं दिया. मतलब सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि ऐसे लगता है फीमेल को कि अभी शादी होगी थोड़ा सा ब्रेक लेते फिर स्टार्टअप करेंगे, और शायद फैमिली का भी प्रेशर होता है, बट इतना प्रेशर नहीं होता है कि हमारे नींव को तोड़ सके. अगर हम स्ट्रांग है और हम बोले कि करना ही है मुझे, तो दैट इज़ टोटली पॉसिबल. मेरा लाइक 7 जुलाई आई मैरिड, 18 जुलाई को मेरा इंटरव्यू BVM में हुआ, एंड मैं 1 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया. और उस टाइम पे मेरा था मुझे PhD करना है, दैट वाज डिसाइडेड कि मुझे रिसर्च फील्ड में ही रहना है. का था कि डॉक्टर चाहिए, और ऑलरेडी लाइक उनका एक्सपेक्टेशन, और सोचो एक मनी का वैल्यू है, उन्होंने मेरे ऊपर इतना मनी वो किया, इन्वेस्ट किया, तो मुझे कहीं ना कहीं करना था. और मेरे हस्बैंड को मैंने क्लियर किया था व्हाट एवर द सर्कमस्टेंसेस. मैं जब फैमिली से भी मिली, उन्होंने पूछा कि हमारे तो लाइक बिजनेस क्लास फैमिली है, अगर नहीं करने मिला तो क्या, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे करना है. आई वॉज वेरी, आप देखोगे कई बार ये शादियाँ होती है ना, तो लड़कियाँ पहले झूठी बोलती है, पेरेंट्स झूठी, नहीं नहीं कुछ नहीं यार चलेगा, और फिर बाद में वो जब प्रपोजल रखते हैं तो मना कर देते. बट मैं पहले से, मेरा फिक्स था कि मुझे पढ़ाई करना है, PhD करना है, मुझे जॉब करना है. बिकॉज मैं भोपाल नागपुर 8 साल रही हूँ, मतलब हॉस्टल में रहना पूरा देखे तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो डिसाइडेड था. तो मैंने PhD के एंट्रेंस के लिए बहुत घूमा, ऐसा नहीं कि लिमिटेड इसमें करना है, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ करूँगी, इतना स्ट्रांगनेस था. तो मैंने नागपुर का दिया, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल का. तो नागपुर का दिया तो नागपुर में गाइड अवेलेबल नहीं थे. जबलपुर का क्वालिफाई हुआ, मेरिट में हुआ, बट वहाँ पे गाइड भी मिल गए, बट थोड़ा आना जाना, अकेले ट्रेन एक ही है ऐसे. भोपाल का उसी टाइम हुआ, रिजल्ट आया उसमें, क्वालिफाई होके मैंने कुछ भी करके वहाँ के गाइड से अप्रोच करके वहाँ का मैंने ले लिया. बट उनके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा. उस टाइम पे मैं ये ऐड करूँगी कि PhD जो पहले होती थी उसमें क्या होता था, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता था, RDC जिसे हम बोलते, और आप टॉपिक चूज़ करके और गाइड आपने सेलेक्ट कर लिया है, आपने उनसे बात कर लिया, तो आप वर्क शुरू कर सकते हो. फिर आपको मिनिमम लाइक 2 ईयर्स और मैक्सिमम एक्सटेंड करके 5 ईयर्स 7 ईयर्स का ऐसे होता था, बट अब वो नहीं रहा. लाइक ये मैं बता रही हूँ आपको 2012 में जब मैंने अप्रोच किया, तो एंट्रेंस होता है एक प्रॉपर, उसको आपको क्वालिफाई करना है, आपके सब्जेक्ट में होगा. उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा कि आपको इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में आपको उन्हें गाइड बताना पड़ेगा, फिर वो गाइड से अप्रोच करेंगे और टॉपिक, व्हाट इज़ योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. उसके बाद आपका 1 साल का पूरा कोर्स चलेगा, जिसमें जैसा हमारा MSc में एक पेपर होता है वैसा ही एक पेपर, उसे कोर्स वर्क कहते हैं.
पूरे पेपर की क्लासेस लगती है, 3 महीने तक प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना है, उसकी आपको मार्कशीट मिलेगी जिसे कोर्स वर्क मार्कशीट कहते हैं। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लाइक आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके आपको पुराने जो रिसर्च हो चुके हैं वो रिसर्च देख के आपको एक लाइक 50 to 60 पेपर सर्च करके कि आप क्या करना चाहते हो, लोगों ने ऑलरेडी साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, आपको वो एक फाइल बनाना पड़ता है, उस वो भी सबमिट होके उसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका ये सब होने के बाद जब आप क्वालिफाई हो गए पूरा 1 ईयर, देन फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आता है जिसमें सिनॉप्सिस आपको देना पड़ता है पूरा आपका, एक क्या क्या करने वाले, व्हाट इज़ योर एम एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट मेथोडोलॉजी यू विल फॉलो एंड व्हाट वुड बी द कंक्लूजन फॉर दैट। तो वो सारा करने के लिए हम वो RDC में रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम क्वालिफाई होते हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज जिन्होंने आपका प्रेजेंटेशन लिया वो मॉडिफाई करते, अब यहाँ पे आपकी PhD की जर्नी शुरू होती है। तो ये RDC के और मेरे MSc के बीच में 2 साल का गैप था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे पास खाली टाइम है, आई एम ऑलरेडी डूइंग जॉब, तो मैं BEd कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एजुकेशन फील्ड में रहना है। मैं तो सुन के ही मुझे पसीना आ रहा है, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो BEd किया, उसमें मुझे पैडागॉजी और ये सब जानने का मौका मिला, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी होता है बिकॉज एक टीचर को क्या मेंटालिटी से बढ़ाना है बच्चे को, काफ़ी कुछ हिस्ट्री भी था, उसमें भी इंटरेस्ट आया कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बना एंड ऑल, और उसमें इन्वायरमेंट साइंस भी था और बायो भी था। तो वो BEd उस टाइम पे 21 साल का होता था, 2012। PhD करते करते भी BEd कर सकते हैं मतलब? ना, PhD का RDC के पहले आप कर सकते हो, RDC होने के बाद आप रजिस्टर हो गए तब आप दूसरी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके पहले यस, अभी खैर रूल्स चेंज हुए हैं तो अब तो बोल रहे कर सकते, बट अभी के पहले का मैं बता रही हूँ, हम एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कोर्स कर सकते हैं। तो BEd मेरा हुआ, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट ही RDC तक मेरा आ गया था, तो मैंने साइंस फील्ड में टॉप किया था, नंद किशोर कॉलेज बैतूल का ही था, उसमें भी टॉप किया। यस, आफ्टर मैरिज एक आध तो टॉप हमारे लिए रहने तो हम भी कर लेते। तो PhD का मेरा शुरू हो गया था और मैंने लाइक बैतूल का ही लिया था, कोसमी डैम का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो उस पर ही वर्क था मेरा, भोपाल में कुछ टाइम किया, बट ऑलरेडी मेरा जो बैकग्राउंड था वो नागपुर का हो चुका था, मैंने वो इन्वायरमेंट देख रखा था कि कितना सिंसियर होता है, मतलब लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग बट दैट इज़ फैक्ट। तो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से शिफ्ट करा के अपना रिसर्च वर्क वहाँ से किया, नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो मुझे 3 साल लगे, थीसिस भी कंप्लीट हुआ, उसके लिए मैं लाइक फिर घूमी हूँ, थीसिस भी इतना इजी नहीं है, हमें बहुत रीड करना रहता है सेंट्रल से कंपैरिजन एंड ऑल, तो वो मैंने नागपुर पुणे भी मैं 1 साल रही हूँ, उसके लिए इंदौर भोपाल ऐसे। सर शादी के बाद भी फिर आपने ये तो जर्नी जो आप बता रहे हैं PhD की, तो शादी के बाद है ना, और मुझे तो पता है कि शायद आपकी एक डॉटर भी है। हाँ, डॉटर भी है, वो तो सवा दो साल की है। तो कंटिन्यू करिए, अब मैं तो सुन रहा हूँ, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सुनूंगा। 3 साल मुझे PhD में लगे लाइक, फिर उसके बाद सबमिशन हुआ, और सबमिशन के बाद हमें पेपर पब्लिश होना है। मैं ये ऐड करूँगी कि हमने जो भी रिसर्च वर्क किया है वो ऑनलाइन हमें इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में पब्लिश करना ज़रूरी है, तो मैंने 5 पेपर किए, एंड थ्रू आउट दिस जर्नी जैसे मैंने बताया MSc फाइनल में मेरे 2 पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुए, एंड आई वॉज इन कंटिन्यूइंग कि मैं कुछ ना कुछ रिसर्च में अपने टीचर से कनेक्टेड थी जो हम स्टूडेंट्स को कराते, तो ऐसे मेरे अभी 22 पेपर पब्लिश है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, क्योंकि रिसर्च फील्ड है और हमें ये करना जरूरी है, दैट इज मस्ट। डिसिप्लिन है क्या किसी के पास अपार्ट फ्रॉम द जॉब? यस जी। से सबमिशन के बाद सब ये हुआ, कॉन्फ्रेंस सेमिनार भी हुए, और फिर मेरा प्री वाइवा होता है इसमें, अब ऐड हुआ है बाद में, देन फाइनल वाइवा होके फिर मुझे अवार्ड हुई है, लाइक दिस ईयर ई कॉन्वोकेशन हुआ था तो उसके थ्रू मुझे अवार्ड हुई, तो ये ऑल ओवर जर्नी है। अवार्ड भी मिला? यस। तो इसमें एक ऐड करूँगी, जैसे बायोटेक अब सब्जेक्ट है तो वो रिसर्च रिलेटेड, जैसे मैंने बताया मैंने कितने सारे रिसर्च किए, पेपर पब्लिश है ऑलरेडी बाहर इतना रोम करके, क्योंकि बैतूल में उतना स्कोप नहीं है, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ है, अगर आप रिसर्च फील्ड कोई भी चूज़ करते हैं, बायोटेक ले रहे हो आप, माइक्रो में करो या किसी भी फील्ड में PhD, तो आपको उसमें एक्चुअली में कुछ फाइंड आउट करना चाहिए, रिसर्च मीन्स आप कुछ उसमें अपना वो कर रहे हो, ऑलरेडी कोई करा हुआ है बट उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हो आप, इन्वेंट कर रहे हो, तो वो सारा आपको उसमें करोगे तब आपका PhD है। सिर्फ यही नहीं कि लाइक हमने लिया और करा, ऐसा वाला नहीं है। तो बायोटेक में एक ये हो गया रिसर्च, तो उसमें हम ऑप्शंस क्या क्या है अब बायोटेक लेने के बाद, तो एक तो है लेक्चरशिप जैसे मैं कर रही हूँ, लाइक 2 साल प्राइवेट में किया, उसके बाद मेरा गवर्नमेंट में हुआ, बट जैसे आप
बैतूल में देखे एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप सब तो लेक्चरर नहीं बन सकते. दैट इज़ वन ऑप्शन कि वो एक फीमेल के लिए बहुत अच्छा है. बट इसके अलावा बायोटेक में आपको रिसर्च करना है तो जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं R&D डिपार्टमेंट्स, तो वो हमारे MP में या आसपास भी हम देखें, नागपुर में भी एक ही है, नीरी, सुना होगा आपने, नेशनल एनवायरमेंट रिलेटेड. उसके अलावा और नहीं है. तो अगर आप ले रहे हैं तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में कहीं रिसर्च में जाने के लिए बाहर ट्रैवल करना है. तो जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, बैंगलोर हो गया, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, या फॉरेन GRE के थ्रू जा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. बहुत स्कोप है रिसर्च में. इंडिया में स्कोप नहीं है? इंडिया में है, मतलब जैसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये बोलना चाह रहा था कि जो फॉरेन वाली जो बात है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जब पढ़ाई करी तो देश का ज्ञान देश के काम में आए. लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं. लाइक आप देखते हो ना, बहुत लोग जाते हैं, सीखते हैं और फिर अपने जिनको अपने देश से प्यार है वो वापस आते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो वो करे और फिर अपना खुद का यहाँ पर करे. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपने सुना होगा कि PTC का बहुत बड़ा लैब है, प्लांट टिश्यू कल्चर का. तो वो क्यों, ये रिसर्च रिलेटेड ही है, हमारे सब्जेक्ट में आता है बायोटेक में, कि हम यहाँ पर अपने लैब में एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, उसका कोई भी सीज़न हो, वो डिपेंड नहीं करता अपना, उसको pH क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ग्रो करके फिर हम वो सप्लाई कर सकते हैं. और वो ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते. जो आप देख रहे हैं ना बाहर कितना केमिकल यूज़ है, हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे उन्होंने किया. दैट इज़ वेरी प्लस पॉइंट. अगर आप में कैपेबिलिटी है, स्पेशली फॉर लाइक मेल स्टूडेंट्स, दे कैन डू दिस ऑल्सो कि बाहर से. तीसरा ऑप्शन है बायोटेक लेने में, आप कोई फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री कंपनीज है उसमें आप कर सकते हो. उसमें R&D डिपार्टमेंट होता है, तो पहले जो भी वो प्रिपेयर करते हैं उसको टेस्ट करते हैं. जैसे अभी हम कोविड का भी देख रहे हैं, पहले वो 3 लेवल के टेस्ट होंगे. तो वो कौन करता है, जो रिसर्चर है, और बायोटेक वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. तो ये 3 ऑप्शंस है. बायोटेक लेने के बाद हम या तो लेक्चरशिप में जाए, या रिसर्च सेंटर पे हम एज अ साइंटिस्ट काम करें, या तो फिर हम उसमें इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में. ये मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि पहले आंसर हमारे पास पहले आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बाद में बताता हूँ कि जो अभी निहारिका जी ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी लेने के बाद में आप किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं, तो 3 इन्होंने फील्ड बताई, या फिर से बता दीजिए. यस, फर्स्ट इज लेक्चरशिप. तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरों को देने के लिए कैपेबल है. दूसरा है रिसर्च रिलेटेड फील्ड है, तो जो रिसर्च सेंटर होते हैं, स्पेशली मैं प्रेफर करूँगी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, और उसमें कैसे जाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी. तीसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, रिसर्च होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो वो भी एक रिसर्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन है. अब ऐड करूं एग्जाम्स? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो उतना पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं हूँ. yes. तो आप ऐड कर सकते हो उसमें कि हाँ, कैसे हम लाइक BSc किया, MSc में जाने के लिए भी कुछ कॉलेज एंट्रेंस लेते हैं. तो बच्चा अगर प्रिपेयर्ड है कि उसे MSc में क्या करना है, तो उसको BSc सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद ही इस पर फोकस करना चाहिए. उसे पूरा सर्च करना चाहिए कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है और वहाँ पर कहीं एंट्रेंस तो नहीं है, बिकॉज एंट्रेंस शुरू हो जाते हैं नवम्बर डिसम्बर. बच्चा BSc फाइनल में है, नवंबर दिसंबर में उसके एंट्रेंस होंगे, जैन फेब में फॉर्म पहले शुरू हो गया, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप ले पाओगे मई जून में एडमिशन, नहीं तो आप लेट हो जाओगे. बच्चा क्या करता है, मई में रिजल्ट आता है, मई एंड में फिर सोचता है मुझे करना है, वो ऑलरेडी लेट होता है. परसेंट अच्छे है तो उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, थोड़े कम परसेंटेज भी है बट फर्स्ट स्लॉट में उसने कर दिया तो उसका हो सकता है. तो ऐसे MSc बायोटेक में उसे एडमिशन मिल सकता है. फिर आता है MSc के बाद आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या कोई भी जॉब में, तो उसके लिए होता है नेट एग्जाम, NET. यस, दिस इज ऑल ओवर इंडिया लेवल का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. यस, तो ये जो एग्ज़ाम है ये हमें आगे एक वे दिखाता है, ये देना हम कब एलिजिबल हो जाते हैं, MSc फर्स्ट ईयर के बाद ही एलिजिबल है. MSc सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो तो आप प्रिंसिपल का साइन लेके वो फॉर्म भर सकते हैं, और वो एग्ज़ाम 2 बार होता है, लाइक वो दिसंबर में भी होता है एंड जून में भी होता है, साल में 2 बार होता है. तो उस एग्ज़ाम से हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, और मैं बेस्ट सजेशन है, बच्चे सोचते हैं MSc के बाद दे, बट जो पढ़ के देते हैं ना वो हम सारे सब्जेक्ट के टच में होते हैं, उसमें 13 टॉपिक्स होते हैं, और NET के जो एग्जाम है सिलेबस जो है उसमें 13 टॉपिक्स है, तो वो 13 टॉपिक पूरे MSc फर्स्ट सेम से फोर्थ सेम तक वो कवर होते हैं. तो अगर बच्चा साथ साथ में पढ़ के उसको भी पढ़ता जाए, और उसको पढ़ने के लिए जनरली रेफरेंस बुक चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. पीछे बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप एरो पढ़ के या वो पढ़ के आप नहीं दे सकते ऑब्वियसली,
या आप गूगल पढ़ के नहीं कर सकते, आपको एक्चुअली में वो बुक्स को रीड करनी पड़ेगी. आप यहाँ के लाइब्रेरी से इशू कराओ या आप बाहर से उसे खरीद के लाओ, जो भी. तो वो एक माइंड सेट आपको MSc फाइनल में ही करना पड़ेगा और तभी फिर आपको वो नेट एग्ज़ाम देना रहेगा. तो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, ये मैं नेशनल एलिजिबिलिटी बता रही हूँ. इसके अलावा स्टेट ने अपना खुद का शुरू कर दिया है, जैसे SET होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो महाराष्ट्र नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया और स्टेट एलिजिबिलिटी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसके क्राइटेरिया. बट ये होगा कि वो आपने सेट दिया, जैसे MP का दिया तो आपको MP में ही फिर उसका प्रिविलेज मिलेगा. अच्छा. और महाराष्ट्र का होता है, पुणे से कंडक्ट होता है, तो वो महाराष्ट्र MHSET होता है. छत्तीसगढ़ का, UP का है. सब स्टेट्स के अलग-अलग. यस, तो वो भी आप दे सकते हैं. वो साल में एक ही बार होते हैं, तो वो हमें थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, उनकी डेट फिक्स नहीं होती है. बट ये जो नेट बता रही हूँ मैं, इनकी फिक्स है. नेट में भी दो ऑप्शन, दो कैटेगरी है. एक होता है CSIR नेट, CSIR नेट, और एक होता है UGC नेट. तो UGC नेट किन के लिए है? आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, इन्वायरमेंट वालों के लिए, उनके लिए UGC नेट होता है. वो क्वालिफाई करने के बाद उनको रिसर्च में जाना है या लेक्चरशिप में जाना है, तो उनको प्लस पॉइंट है. CSIR नेट होता है साइंस फील्ड, उसमें आपका केमिकल साइंस आ जाता है, मैथमेटिकल साइंस आता है, लाइफ साइंस. लाइफ साइंस में आपका बायो, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रो केमिस्ट्री, ये सब आ जाता है. तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलती है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. आप पूरे, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई रिसर्च सेंटर में जाएंगे और उन्हें बताएंगे आई एम क्वालिफाइड एज ए नेट, अब मैं JRF मुझे मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिलेगा, तो वो आपको हंसी ले लेंगे. आपको उसमें कोई एंट्रेंस नहीं देना, कॉम्पिटिशन इन नथिंग. तो आपका वो जॉब लग जाता है. थोड़े टाइम JRF करने के बाद आपको SRF मिलना शुरू होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप. तो ऐसे करके आप रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं. फिर आपने सोचा PhD करना है. PhD क्यों ज़रूरी है? जैसे लेक्चरशिप करना है, इतना कॉम्पिटिशन है. पहले तो MSc या MA के बेसिस पे हो जाता था, बट अभी हर कोई वो कर रहा है, तो PhD एक उसका ऊपर क्वालिफिकेशन है. उसमें भी यार लेक्चरशिप में नेट क्वालिफाइड भी चाहिए और ये हमारा PhD भी चाहिए. तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है या सेट क्वालिफाइड है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट RDC के लिए ले लेता है. उसमें इंटरव्यू नहीं देना है, कुछ नहीं. कोर्स वर्क आपको करना है, वो दैट इज़ अदर पार्ट, बट आपको इंटरव्यू और ये सब का झंझट नहीं. आप RDC में जाके, क्योंकि वो एक ऑलरेडी आपका स्टेटस बढ़ गया कि आप नेट क्वालिफाइड है या सेट क्वालिफाइड है. तो ऐसे करके हम लोग लेक्चरशिप में जा सकते हैं. तो लेक्चरशिप में अभी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी नेट सेट क्वालिफाई हो और साथ में आप PhD भी करें, क्योंकि नेट सेट के पॉइंट्स मिलते हैं हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं, PhD के 20 होते हैं, और जो हम एक्सपीरियंस हमारा काउंट होता है उसके 4 पॉइंट्स. ऐसे करके हम अपने आप को औदा ऊपर करते जाते हैं. तो उससे हमें कहीं भी जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एक पॉइंट रैंकिंग ऊपर होता है. इवन बाद में जो सीनियर प्रोफेसर्स हम देखते हैं, आप देखते होंगे कुछ लोग प्रिंसिपल बन जाते हैं, एज कम भी होती है, बट उनके पॉइंट ज़्यादा है, उनके पेपर पब्लिशिंग अच्छा है, उन्होंने PhD कराया हुआ है, उन्होंने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस खुद से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, अटेंड किए हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उनका PhD भी है, और या तो उनका नेट है या सेट क्वालिफाइड है. तो ये सब हमें रैंकिंग में ऊपर करता है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए. तो ये लेक्चरशिप के लिए हुआ. मुझे एक चीज़ से समझ में ये आई है निहारिका जी, कि वैसे बेसिकली यदि हम बैतूल जैसे शहर की बात करें, जो मेट्रो सिटीज़ के इसमें नहीं आता है, छोटे छोटे शहर जो हैं, यहाँ पर अधिकतर जो PG कॉलेजेस होते हैं, इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, और ख़ासकर जो मेरे ख्याल से जो बायो टेक्नोलॉजी जो लेते हैं उसमें महिलाएँ या फीमेल ज़्यादा होती है, और उनके पास में जैसे एक जो रूमर चलता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया आपने, एक डिग्री ही तो करना है, तो BSc कर लो, BCom कर लो, BA कर लो. लेकिन जो बच्चियां जो पढ़ने में टैलेंटेड है, जो अपना भविष्य आगे बना सकती हैं, जो भले बाहर नहीं जा पाएँ, उनके लिए मेरे ख्याल से ये जो आपने सजेशन दिया लेक्चरशिप का, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है यदि वो BSc, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी बच्चों के लिए हैं, तो उनके पास में कोई राह नहीं होती. उनने BSc किया, फिर MSc किया, और उसके बाद में शादी कर लिया, दैट्स इट. और उसके बाद में किसी कोई स्कूल में या BEd करके किसी स्कूल में वो पढ़ा रहे, उसके आगे उनकी सोच नहीं निकल पाती. तो मेरे हिसाब से ये जो आज जो आपने ये चीज़ें बताई, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी. यस, श्योर.
या तो संविधा में करते हैं, फिर इंटीरियर में कहीं जॉब लगती है तो, या वो करते हैं जिनको एक्चुअली इंटरेस्टेड है, या तो वो लोग छोड़ देते हैं. क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे 8 साल हो गए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं देखती हूँ या तो वो BSc में शादी कर लेते हैं या फिर वो MSc में तक तो हो ही जाती है फॉर श्योर. फिर उसके आगे क्या हम कनेक्टिविटी में रहते हैं. मैंने तो एक्चुअली ओपन किया है, बच्चों को नंबर देती हूँ कि आप दूसरे शहर में भी रहो, यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग करियर. आपको करना ही चाहिए क्योंकि मैंने किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा भी उतना कैपेबल है. और बच्चे दिखता है, लाइक आप देखेंगे ना, मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मैं बैतूल जैसे सिटी से बाहर गई तो मेरे पास नॉलेज ज़रूर था, बट दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके पास एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. तो हम ये कॉन्फिडेंस अगर रखें कि मेरे पास नॉलेज है और मैं कर सकती हूँ, तो वो श्योरली हमें वो करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करता है. बहुत अच्छी बात. तो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर निहारिका भावसार से. बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, और बहुत ज़्यादा उनसे हमें जानकारी आज मिली है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. और जैसे उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया है, वो करियर काउंसलर भी है, तो आगे भी हमारे साथ में जुड़ी रहेगी. यदि आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है तो आप फेसबुक पर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या यदि आपको उनसे कुछ पर्सनल सवाल करने हैं तो आप हमें कमेंट्स में आप मैसेज डाल दीजिए, हम आपसे संपर्क करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद शो देखने के लिए. देखते रहिए द पारस भुपते शो. जय हिंद, जय भारत.